प्यारे बच्चों नमस्ते। देखिए पिछले कक्षा में हमने पहला इकाई का पहला पाठ पूरा किया है। किसी को बता सकते हैं इसका नाम? हाँ ठीक है, बुल बनी थी माँ, ये तो एक कविता है। बच्चों हम सबको पता है अब हम जो कोरोना वायरस के व्यापन से अपने घर के अंदर में ही अधिक समय रहते हैं, तो बताइए घर में रहकर आप क्या क्या करते हैं, एक एक करके बताइए। हाँ खेलते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं और घर के कामकाज में अपनी माँ की सहायता करते हैं और हाँ मोबाइल देखते हैं, टीवी में सिनेमा देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम सब सिनेमा पसंद करते हैं। ठीक है, सिनेमा मनोरंजन का एक अच्छी साधन है। आप बताइए ये सिनेमा निर्माण एक आसान प्रक्रिया है? नहीं नहीं, यह एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है। दो या तीन खंडों वाली सिनेमा को हम एक एक सीन में स्क्रीन में देखते हैं, है ना? अब बताइए इस प्रकार सीन या दृश्य तैयार करने के लिए किसकी जरूरत है, किसी को बता सकते हैं? नहीं तो मैं बताती हूँ। पहले एक कहानी होना चाहिए और इसके बाद स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले की जरूरत है। इसे हम पटकथा कहते हैं। क्या है? पटकथा। तो बच्चों सिनेमा निर्माण के लिए पटकथा की जरूरत है। आज हमें अपना पहला इकाई का दूसरा पाठ भाग एक पटकथा पढ़ना है, नाम टीवी। क्या आप सबके घरों में टीवी है? हाँ, लेकिन बच्चों ऐसा एक जमाना था जो घरों में टीवी नहीं थी। आज हमें यह सोच भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि पहले टीवी देखने के लिए एंटीना की जरूरत है? हाँ, लेकिन आज एंटीना के बदले हम सेट ऑफ बॉक्स की सहायता से टीवी देखते हैं। तो बच्चों आज हम एंटीना की सहायता से टीवी देखने वाले समय की एक घटना पटकथा के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए पटकथा टीवी, इसका लेखक है वरुण ग्रोवर। क्या है उसका नाम? वरुण ग्रोवर। आगे देखिए। सीन एक, बोबो के घर के बाहर की कच्ची सड़क, दोपहर के 2 बजे हैं। पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं। करीबन 8-10 साल की उम्र के 3 बच्चे बोबो, चुन्नी और लल्लू कच्चे रास्ते पर खड़े हैं। बोबो देखने से ही बाकी दोनों पर हावी लगता है। वह जमीन पर झुका है और कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में मकोड़ा है। चुन्नी को मकोड़ा पकड़ाते हुए, ये ले तेरा प्यारा मकोड़ा, अब खा इसकी कसम। चुन्नी मुस्कुराकर मकोड़ा पकड़ते हुए, कैसे खानी है? गोबू, अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, बोल, मैं कसम खाती हूँ। चुन्नी, मैं कसम खाती हूँ। गोबू, कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। चुन्नी, कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। गोबू, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे। चुन्नी हंसी रोकते हुए, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे। गोबू, और यह बात किसी को नहीं बताएंगे, माँ को भी नहीं। लल्लू बीच में ढोक कर, माँ को कैसे बताएंगे, माँ तो सो रही है। गोबू, हाँ माँ तो सो रही है, अब मकोड़ा रख दे। चुन्नी मकोड़ा रख देती है, हाथ चाटती है। गोबू आगे बढ़ते हुए, तो फिर चलो। तीनों बच्चे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों यह पहला सीन है, देखिए। गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क, स्थान कहाँ है? गोबू के घर के बाहर उसकी कच्ची सड़क। कच्ची सड़क माने अनमेटल्ड रोड। दोपहर के 2 बजे, समय कितना है? आफ्टरनून 2 o'clock। आगे देखिए, पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका माने जो माउंटेन एरिया, दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं। वहां जो पहाड़, जो स्मॉल हिल्स तो दिख रहे हैं। करीबन 8-10 साल की उम्र के 3 बच्चे। वे कौन कौन है ये 3 बच्चे? हाँ गोबू, चुन्नी और लल्लू, वे तो कच्चे रास्ते पर खड़े हैं। वहां ये 3 बच्चे कौन कौन है? गोबू, चुन्नी और लल्लू जो कच्चे रास्ते पर खड़े हैं। गोबू देखने से ही
बाकी दोनों पर हावी लिखता है। हाँ गोबू, अन्य दो बच्चों की अपेक्षा जो एफिशिएंट है, हावी लिखना माने एफिशिएंट, वह जमीन पर चुका है और कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है। गोबू जमीन पर चुकर चुगना टू बेंड, कुछ उठाने की कोशिश करता है। उसके हाथ में एक मकोड़ा है, मकोड़ा माने ए स्मॉल इंसेक्ट, ये तो खड़ना है। देखिए एक सीन तैयार करते समय स्थान होना चाहिए और समय होना चाहिए, और अब हम एक खड़ना भी देखा है, और आगे देखिए क्या है। आगे ये तीनों बच्चे आपस में बातें करते हैं। देखिए पहले गोबू चुन्नी को मकोड़ा पकड़ाते हुए, ये लो तेरा प्यारा मकोड़ा, अब खा इसकी कसम। हाँ गोबू चुन्नी को मकोड़ा पकड़ाते हुए कहा, ये लो आपका प्यारा मकोड़ा, अब खा इसकी कसम। ये कसम खाना क्या है? कसम खाना टू टेक अ नोट, ये मकोड़ा पकड़कर कसम खा ले। चुन्नी मुस्कुराकर मकोड़ा पकड़ते हुए, कैसे खानी है गोबू? अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, बोल मैं कसम खाती हूँ। जब चुन्नी ने गोबू से पूछा मैं कैसे कसम खाती हूँ, तब गोबू ने बताया जैसे मास्टर जी बुलवाते समय इस प्रकार कहा है, उसी प्रकार ऐसे है वो। हाँ मैं कसम खाती हूँ, उसी प्रकार चुन्नी मैं कसम खाती हूँ गोबू कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। हाँ गोबू हम कसम खाती है कैसे, बिना किसी से बताकर ही हम दूसरे गांव जाते हैं, ठीक है चुपके से, उसका अर्थ है बिना किसी से बताकर। चुन्नी कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे, अब हमें पता है ये बच्चे किसी से न बताते हुए दूसरे गांव चलते हैं, है ना गोबू, और चुपके से टीवी देख कर आएंगे। हाँ हम क्यों दूसरे गांव जाते हैं? वे तो टीवी देखने के लिए चुपके से दूसरे गांव जाते हैं। चुन्नी हंसी रोकते हुए, और चुपके से टीवी देख कर आएंगे। हाँ हम चुपके से टीवी देकर लौट आएंगे गोबू, और यह बात किसी को नहीं बताएंगे, माँ को भी नहीं। हाँ हम किसी से कहे बिना दूसरे गांव जाते हैं, और माँ को भी नहीं बताना। लल्लू बीच में ठोकर, ठोकना माने टू इंटरप्ट, माँ को कैसे बताएंगे, माँ तो सो रही है। हाँ लल्लू कहती है माँ सो रही है गोबू। हाँ माँ तो सो रही है, अब मकोड़ा रख दे। हाँ अब तो ये मकोड़ा रख दे। चुन्नी मकोड़ा रख देती है, हाथ झाड़ती है, झाड़ना माने टू क्लीन गोबू। आगे बढ़ते हुए, तो फिर चलो आगे बढ़ना कैरी फॉरवर्ड, तीनों बच्चे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ ये तीनों बच्चे कहाँ जाते हैं बताइए, कहाँ जाते हैं? हाँ वे दूसरे गांव चले जाते हैं। वे कैसे दूसरे गांव चले जाते हैं? वे किसी से न बताकर दूसरे गांव जाते हैं, ठीक है। अब बताइए ये बच्चे क्यों दूसरे गांव जाते हैं, किसी को बता सकते हैं? हाँ वे टीवी देखने के लिए दूसरे गांव जाते हैं, ठीक है। अब तो बताइए एक सीन तैयार करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है? हाँ पहले स्थान होना चाहिए और समय होना चाहिए, जो खड़ना है, और पात्रों के बीच का वार्तालाप भी होना चाहिए। देखो बच्चों, आज हम टीवी नामक पटकथा के एक सीन देखा, इससे हमें समझ गए कि पटकथा में एक सीन या दृश्य तैयार करने के लिए स्थान, समय, घटना और पात्र होना अवश्य है, ठीक है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड लेसन टीवी। The author Varun Grover prepared it in the form of a screenplay. This is an example of what you need to know when writing a screenplay.
The main characters of this screenplay are the three children, Gobu, Chunni and Lallu. They cannot watch TV in their village because they are in a mountain area. The TV signals not reaches that place. The main storyline is that these children go to the next village without permission from their home in their intense desire to watch TV. Here we can see the happenings on their way and the conversation of the children. Okay? मैं सोचता हूँ कि आज का पाठ भाग सबको समझ गई है, शेष भाग अगले क्लास में है। धन्यवाद।